नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि राशन कार्ड को आप कैसे नेट से डाउनलोड करके आप अपने पास रख सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि राशन कार्ड का ज़रूरी होता है, कहीं लगाना होता है तो हमारे पास राशन कार्ड इस वक्त उपलब्ध नहीं रहता है, तो उस वक्त प्रॉब्लम होता है। तो आप अपना राशन कार्ड ऑनलाइन कैसे अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करके उसको PDF में रख सकते हैं, फ़ोटो वाला, तो इस वीडियो में पूरा कंप्लीट आपको डाउनलोड करके बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल में टाइप करेंगे EPDS, ठीक है, और इंटर कर देंगे। EPDS जैसे ही इंटर कीजिएगा तो EPDS जो साइट है गवर्नमेंट ऑफ बिहार का, ये है राशन कार्ड का, ठीक है। तो यहाँ देखिए स्क्रॉल हो रहा है बिहार राशन कार्ड, ठीक है। बिहार राशन कार्ड पे हमको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक कीजिएगा तो हमारे सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, रिपोर्ट ऑन कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ राशन कार्ड इन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और स्टेट यहाँ ये बिहार का है। आप अदर का भी चेक करना चाहते हैं तो NFPS साइट पे जाकर वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं, जिस स्टेट का करना है, ठीक है। तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट में हमको जिस डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्ट करना है, मतलब देखना है, वो डिस्ट्रिक्ट अपना सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ शो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये शो जो लिखा है उस पर क्लिक करेंगे, शो पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए डिस्ट्रिक्ट का खुल गया, रूलर और अर्बन, ठीक है। रूलर मतलब गांव का जो हो उसमें तो रूलर, और अर्बन शहरी इलाका में अर्बन, तो आप जिस भी इलाके से आते हैं उस पर क्लिक करना है। तो रूलर में चेक करना है तो रूलर पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका ब्लॉक का नाम पूरा शो करने लगेगा, ठीक है। जिस ब्लॉक में आप आते हैं वो अपना ब्लॉक चूज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से अपना ब्लॉक चूज कर लेंगे और ब्लॉक के बाद आपका पंचायत दिखाएगा, जो भी आपका पंचायत आता है इसमें अपना पंचायत पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो आपका पंचायत जो भी है वहाँ क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद विलेज, उस पंचायत में जितने भी विलेज आते हैं पूरा विलेज दिखाएगा, तो आप अपना देख लीजिए कौन गांव है आपका, जो भी आपका गांव है वो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो गांव सिलेक्ट कर लिए। इसके बाद आपका जो राशन कार्ड है वो डीलर के नाम से भी दिखाता है, ठीक है। देखिए ये सब राशन कार्ड है और यहाँ इधर साइड में FPS डीलर, डीलर का नाम दिखा रहा है, ठीक है। तो आप इससे भी पता लगा सकते हैं कि आपका किस डीलर के पास है, या आप अपना राशन कार्ड का जो नंबर है उससे भी आप पता कर सकते हैं कि राशन कार्ड का जो मेरा है वो नंबर से भी आप पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप पता कर सकते हैं। अगर आपका इसमें नहीं मिल रहा है तो 2-3 पेज 5 पेज में भी होता है, तो यहाँ पेज भगा कर आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए पेज जो है वो पेज आप लास्ट पेज करके, आप एक एक पेज करके इस तरह आप अपना आराम से चेक कर सकते हैं, ठीक है। और आप इस पर लास्ट में क्लिक कीजिएगा, जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने पूरा डिटेल्स फ़ोटो सहित, देखिए फ़ोटो सहित आ गया, नाम दिखा रहा है। और यहाँ आप इसको राशन कार्ड लेने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, या कहीं भी सरकारी काम में भी इसको लगा सकते हैं, सभी जगह मान्य होगा, आपका कोई भी काम इससे रुकेगा नहीं। जैसे आपको गैस का कनेक्शन लेना भी है तो वहाँ भी आप इसको लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको राशन कार्ड लेना है तो आप राशन कार्ड भी इससे उठा सकते हैं। तो इस तरह आप अपना डाउनलोड करके इसको PDF में अपने फ़ोन में भी रख सकते हैं और कहीं लगा भी सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और मेरे इस चैनल कुशवाहा कंप्यूटर एंड साइबर कैफे को आप सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।